हेलो वाइज, कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है पढ़ाई करेंगे। इसके रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो हम जो है आज जो है करने जा रहे हैं। ठीक है वाइज, अगर आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मेरे जो है पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि आपकी तैयारी जो है कैसे चल रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11 बैग्स ऑफ वाइट फ्लोर ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग रेट। ठीक है, ये कह रहा है कि 11 बैग हैं। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है? 11। और ये कह रहा है कि वो जो है 5 kg उनको जो मार्क है हर बैग पर, लेकिन अकॉर्ड लेकिन उनमें है कितना एक्चुअली में उनमें कितना 4 हर उसमें जो अलग अलग जो है वेट है। ठीक है, तो हमें पता क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। The probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg। ठीक है, सो ये कह रहा है कि किसी भी हम अगर चूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें जो है 5 kg ज़्यादा हो। किस किस में ज़्यादा है? पहला ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? टोटल कितने हैं? 11। और फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे? 7। प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 7/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, ठीक है, एक चेयर गेम है म्यूजिकल, अ पर्सन प्लेइंग म्यूजिक, तो जो पर्सन म्यूजिक बजा रहा हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 minutes आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। ठीक है, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट? तो ये कह रहा है कि हमें बतानी है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि म्यूजिक जो है पहले आधे मिनट में रुक जाए, मतलब फर्स्ट 30 seconds में जो है म्यूजिक स्टॉप हो जाए। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सैंपल स्पेस टोटल हमारी जो है 120 सेकेंड। ठीक है, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे हमारे 30 सेकेंड, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की? फेवरेबल केसेस अपॉन 120 टोटल, सो 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 dice आर रोल्ड, दो डाइस को जो है रोल किया, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ शो 6। ठीक है, तो पहले अगर जब कभी भी डाइस रोल होती है, मान लो एक हो रही है या दो हो रही है या तीन हो रही है, ठीक है, तो सैंपल स्पेस उसका क्या होगा? 6 की पावर n। ठीक है, अगर एक हो रही है तो 6, दो हो रही है तो 36। यहाँ पे कितनी हो रही है? 2 dice, टोटल कितना हो गया? 36। ठीक है, अब फिर अगर बोथ शो 6, इसका देखिए केस होता है 6 कमा 6, सो फेवरेबल केसेस कितना हुआ? 1, टोटल केसेस 36, तो ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम रिलेटेड ही है। 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? सो डबलेट के कितने केस होंगे हमारे पास? 1 कमा 1, 2 कमा 2, मतलब दोनों उसको जो सेम नंबर आए, 3, 4, 5 एंड 6 कमा 6, टोटल कितना होगा? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो जाएगी? 6/36 इज इक्वल्स टू 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 red balls एंड सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, ब्लू बॉल्स हमें नहीं बताएंगे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल देन डेट ऑफ रेड बॉल। ठीक है, ठीक है, रेड बॉल कितनी है? 4। ब्लू बॉल हम जो x मान लेते हैं, सो टोटल कितनी होगी? 4+x। ठीक है, आपके अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ
ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक्स अपॉन टोटल कितना, 4+x इज डबल देन डेट ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी होती है, 2 times, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/4+x। ठीक है, 4+x कैंसिल आउट होगा, सो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी होगी हमारे पास, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ डाई इज थ्रोन 1000 times विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज गिवन इन द टेबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आउटकम, 6 प्रोबेबिलिटी, 6 के आउटकम कितनी है, 6 के आउटकम है हमारे पास 90। ठीक है, सो ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में जब भी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो उसका क्या होता है, तो कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें कितने उसके आउटकम आए, आउटकम कितनी है, 190। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.19। इसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, मतलब डाइस को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी होती है, 1/6, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट जो आउटकम हुआ वो उसका जो इवेंट हो गया और 1000 जो होगा हमारे सैंपल स्पेस जितनी बार हुई। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या पूछ रहा है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज -1। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 नहीं होती, कितनी होती है, 0 होती है। फॉर एनी इवेंट PE एंड PE बार, ठीक है, ये यहाँ पर बार है, इज इक्वल्स टू 1, देयर ई स्टैंड्स फॉर नॉट ई बार। तो ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 होती है, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, 2, करेक्ट है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन। ठीक है, कितने से कितने लाइज करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट की कितनी होती है, 0, और श्योर इवेंट कितनी होती है, 1। सो कितने से कितने लाइज करती है, 0 to 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 5 red, 8 green बॉल्स इन अ बैग। ठीक है, अब बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम, सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5+8=13। अब क्या पूछ रहे हैं, एक बॉल जो हमने रैंडमली निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज रेड। ठीक है, सो इसमें देखिए टोटल कितना है, 13, रेड की कितनी बॉल है, 5, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो जाएगी, 5/13। आसान था, यह हमारा भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकती। पहले क्या है, 2/3, 0.67 हो सकती है, 0 से 1 लाई करती है, 15%, 0.15 ये भी हो सकती है, 0.7 ये भी हो सकती है, यह -1.5 ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें माइनस है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 to 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2-digit नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बॉक्स है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी जो है वो उसमें हमने जो नंबर कर दिया है। ठीक है, सो कितनी है टोटल, 90 है, तो सैंपल स्पेस हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब इवेंट क्या है कि हम सिर्फ एक को ड्रॉ कर रहे हैं इस ड्रॉन। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, और उसमें कंडीशन क्या है कि 2-digit नंबर उस पर आना चाहिए। तो 2-digit नंबर कितने होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है,
और टोटल कितने वन डिजिट कितने 1 2 3 6 7 8 9 सो इतने जो हमारे वन डिजिट हैं, बाकी सारे कितने 9 टू डिजिट हैं, ठीक है। सो टू डिजिट नंबर हमारे पास कितने हो गए 90 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। सो फेवरेबल इवेंट हमारे पास कितना इवन कितना होगा 81। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो जाएगी 81/90.9। सो प्रोबेबिलिटी का हमारा आंसर कितना गया 0.9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, ठीक है। सो तीन कॉइन जब टॉस्ड होते हैं, सो उसमें देखते हैं सैंपल स्पेसिस क्या होता है। यह तो तीनों हेड हो जाए, या तो उसमें एक टेल हो जाए। अब एक टेल होगा तो उसके तीन, और उसके बाद दो टेल हो जाए, और फाइनली तीन टेल। तो सैंपल स्पेस में कितने हमारे पास 8 है टोटल। वन हेड, एक हेड के कितने हैं, एक हेड का हमारे पास एक ये हो गया, दो और तीन। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इवेंट की 3/8। सो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बारे में। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। सो दोनों डाइस के ऊपर मान लो जो नंबर आ रहा है उन दोनों का जो सम है वो हमें 8 मिलना चाहिए। अगर दो डाइस थ्रो होती हैं, अगर दो डाइस जो थ्रो होती हैं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होता है। सबसे पहले मान लो एक डाइस वन आया तो उसके साथ दो आ सकते हैं, उसके बाद वन आएगा टू आएगा, कितना आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो ऐसे टू में होगा, थ्री में, फोर, फाइव, सिक्स को मैं वन से कहाँ तक, सिक्स, ठीक है। तो सम जो है इन दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उनका सम कितना होना चाहिए 8। सो यहाँ पे तो जो है एक भी ऐसा हमारे पास जो है नहीं बन पा रहा, क्योंकि 6 1 मैक्सिमम कितना हो रहा है 7 जा रहा है सम यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 6 2, एक बार से बन रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एक एलिमेंट हमें जो है मिल रहा है। दूसरे यहाँ पे 6 3 9 और तो यहाँ पे जो एक बन पा रहा 3 और 5, उसके अलावा और कोई नहीं बन रहा, 6 3 9 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4.6, यहाँ पे भी एक बन जाएगा हमारे पास, कौन सा 4.4। उसके बाद यहाँ पर 5.3 और लास्ट में 6.2, ठीक है। सो टोटल हमारे पास कितने बन गए 5, और सैंपल स्पेस कितने थे 36। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप, एंड अ टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम, ठीक है। 1 से 20 तक जो टिकट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसके बाद हम उन्हें जो है ड्रॉ उसमें से टिकट निकाल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट हैज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और 7, ठीक है। अब 1 से 20 तक जो है कौन कौन से नंबर जो 3 और 7, दोनों 3 के मल्टीपल है या 7 के मल्टीपल है, तो कौन कौन से होते हैं 3, उसके बाद 7 6 9 12 14 15 18, ठीक है। सो ये नंबर होगा जो 3 के मल्टीपल हैं या 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना होगा 8। टोटल टिकट्स कितने 20, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/5।
अगला क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स नंबरिंग 52 कार्ड्स इज ड्रॉन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग. ठीक है. सो प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है, चार तरह के कार्ड होते हैं. कौन से होते हैं, एस मतलब क्लब्स, ठीक है, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड. ठीक है. अब हर तरह के कार्ड जो है 13-13 होते हैं. उन 13-13 में 9 तो नॉर्मल कार्ड, 3 कार्ड जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं. फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, इसमें फेस कार्ड होते हैं तुम्हारे क्वीन, किंग एंड जैक. ठीक है, 3 फेस कार्ड हो गए. अभी देखिए क्लब कौन से होते हैं. हार्ट के अंदर ये शेप होती है, डायमंड की ये शेप होती है, क्लब की होती है, स्पेड की होती है. ठीक है. सो सारे उसमें जो 13-13 कार्ड हो गए. फेस कार्ड कितने हो गए, 3 फेस कार्ड हो गए. एस कितने हो गए, एस होता है एक एस, एस एक एक होता है सब में. ठीक है. सो अभी इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्रोबेबिलिटी इफ दैट इट इज अ किंग. ठीक है. सो क्वीन किंग कितने होते हैं, एक किंग इसमें हो गया, 2, 3, 4. किंग कितने हो गए टोटल, 4. और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/13. ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर इसका. अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर. ठीक है. सो लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं. ठीक है. अब एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7. ठीक है, उससे डिवाइड करिए. तो 7 × 35, इसको इस तरह से करिए. सो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा, मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज. अब इन दो दिनों में क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनेसडे हो सकता है, वेनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे. ठीक है. सो हमारे पास कितने असेंबल स्पेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. अभी देखो इन्हें संडे कहाँ कहाँ है, एक संडे यहाँ पर है, एक यहाँ पर. ठीक है. सो कितने हो गए, 2. फेवरेबल इवेंट हमारे पास 2 हो गए. टोटल इवेंट हमारे पास, टोटल सैंपल स्पेस 7 हो गया. सो प्रोबेबिलिटी 53 संडे से कितने होगी, 2/7. ये हो गया हमारा इसका आंसर. ठीक है. सो गाइज हमारे सारे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. कोई दिक्कत आए तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेज दिया करिए, मैं उसे जो है वहीं पर आपको जो है बता सकता हूँ, कोई भी सॉल्यूशन जो है वहाँ दे दूँगा मैं आपको. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.